DPIAF के फाउंडर कल्याण जी जाना की तरफ से मुंबई के एक आलीशान होटल में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इस दौरान अपनी अदाकारी से लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस सरगम खान को सर्वश्रेष्ठ आइकन अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजा गया। हेलो, दिस इज सरगम खान और इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ, बचपन से ही काम कर रही हूँ और ये शायद उसी के लिए मिला है मुझे। एंड आई एम थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने इतने अच्छा रिस्पांस दिया और आप सबका भी जो आज हमारे इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ले रहे हैं। अवार्ड के विनर्स को खूबसूरत ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर सरगम खान ने इस कार्यक्रम के आयोजक कल्याण जी जाना का भी आभार जताया और शुक्रिया करती हूँ मैं कल्याण जी जी का जिन्होंने इस खास मौके पे मुझे याद किया और मुझे इतनी इज्जत और अफजाई से बुलाया। थैंक यू सो एवरीवन। दादा साहिब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोटी एंड कपड़ा बैंक केजो टॉकीज ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ आयोजित इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान दिवंगत लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस कार्यक्रम के जरिए नेताजी को याद किया गया और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का भी काम किया गया। न्यूज डेस्क खबर फास्ट।